गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, टेक्नोलॉजी, इन सब की खबरों से अवगत कराने के लिए आपके सामने आ गया फास्ट 15। ममता बनर्जी सरकार के निजी प्रयोगशालाओं और निजी अस्पतालों में निजी सुविधाओं पर 4,500 रुपए प्रति परीक्षण के मौजूदा शुल्क, 2,250 रुपए में कोविड-19 परीक्षण हो पाएंगे। इंडोर रोगियों के लिए पीपी पर प्रतिदिन 1,000 रुपए और इंडोर रोगियों के लिए परामर्श शुल्क भी 1,000 रुपए प्रतिदिन खर्च होंगे। बंगाल सरकार ने 2 जुलाई से होने वाली उच्च माध्यमिक की परीक्षा की रद्द। बंगाल में एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले 542 हुए, 10 लोगों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 16,000 के पार पहुंचा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोयला क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी देने के केंद्र सरकार के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिर से विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बारे में एक पत्र लिखकर कहा है कि केंद्र का यह कदम आत्मनिर्भर भारत की भावना के प्रतिकूल है। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा में भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस ने एक नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने इस आतंकियों के पास से 13.5 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 65 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। एयर इंडिया ने 1 जून से भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच उड़ानों की घोषणा की। 28 जून से बुकिंग हो जाएंगे शुरू। पाकिस्तान ने भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला किया है। भारत ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सीमा पार यात्राओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कोविड-19 पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत की स्थिति अन्य देशों के तुलना में बेहतर, देश में बढ़ी रिकवरी दर। गुजरात राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 5 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। माइक्रोसॉफ्ट ने किया बड़ा ऐलान, दुनिया भर में सभी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर्स होंगे बंद, कस्टमर को मिलेगी सिर्फ ऑनलाइन सर्विस। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने शनिवार को कहा कि उसने 90% से अधिक विक्रेताओं को अपने मार्केट प्लेस पर परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि फ्लिपकार्ट के नए विक्रेता रजिस्ट्रेशन में अप्रैल जून अवधि में 125% की तेजी आई है। यूआई नोवा 7i स्मार्टफोन भारत में जुलाई में होंगे लॉन्च। चीनी टेक ने पहले फरवरी में मलेशिया में यूआई नोवा 7i को नोवा 6 के रिब्रांडेड वर्जन के रूप में पेश किया था। रियलमी C11 स्मार्टफोन 30 जून को होंगे लॉन्च और लॉन्च से पहले यह फोन रिटेल साइट लाजाडा पर लिस्ट किया जा चुका है, जहां इसके प्रमुख स्पेसिफिकेशन, कलर ऑप्शन और डिजाइन का खुलासा हो गया है। लाजाडा वेबसाइट पर रियलमी C11 फोन 1 जुलाई से खरीद के लिए उपलब्ध है। करण जौहर ने मुंबई अकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी मामी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। भारत चीन सेना के बीच तनातनी की खबरों को लेकर कंगना रनौत ने कहा, अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियों को काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको, वही कष्ट पहुंचाया है हमें चाइना ने। लद्दाख पर अपनी नजरें गड़ाकर वहां हमारी सीमा का 1-1 इंच बचाने के लिए हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो कैसा लगता है आपको फास्ट 15? कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही फास्ट 15 में। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना ना भूलें।